जय माता दी, जय मां कामाख्या। आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आनंद आएगा और सुनिएगा। हो सकता है बार बार सुनने का मन भी करे। एक 90 साल के उम्र दराज वृद्ध व्यक्ति से एक 25 साल के युवक ने पूछा कि दादाजी आपकी तबीयत कैसी है, क्या हालचाल है। तो संस्कृत का ज्ञाता होने के नाते उस युवक को मंत्र वाले अंदाज में उन दादाजी ने जो जवाब दिया कि वृद्धा अवस्था में क्या हालत होती है, क्या तकलीफ होती है, क्या कष्ट होता है, इसको जरा ध्यान से आप सुनो। तो बुढ़ापे का सवाल है, मुखे न दातम माथे न बालम, बहुत ही मजेदार है। मुख में न दांत है, माथे पर न बाल है, ऐसे पूरा संस्कृत में है। मुखे न दातम माथे न बालम, बगीरम कानम पोपले गालम, दुखम अंगम सिकुड़म खालम, न शेषम सूरम न शेष तालम। वेद्यम बुलावम पूछम हालम, काया अकड़म मकड़िम जालम, वेद्यम उवाच परहेज पालम, चटनी अचार सब त्याग डालम, अब रोटी ज्वार व फीकी दालम, शांतिम गुजारम अब शेषम सालम, भोजन थाली रूखी सूखी घालम, देखे बनावे मुख पित लालम, सब खावे पूड़ी हलवा थालम, मुखे टपके टप टप रालम, बहुएं भी टोकम पोत्रम भी टालम, पुत्रम भी अब तो ग्रहे निकालम। सम्मुख आवे जवानी ख्यालम, व्याधि तलवारम बुढ़ापा ढालम, अब कौन पूछे ये प्रश्न विशालम, न बैंक बैलेंसम न पासम मालम, स्वास्थ्य गिरावम जो वृक्षे छालम, पग पग आवे समीप कालम, अब ना पूछो हालम न पूछो चालम, अब ना पूछो हालम न पूछो चालम। तो लिखने वाले ने बड़ी ही सोच विचार करके कविता लिखी है कि मुख में न दांत है, माथे पर न बाल है, कान से सुनाई नहीं देता है, गाल भी पोपले हो गए हैं, दांत टूट गए हैं, अंग अंग दुखता है, खाल सिकुड़ गई है, और चाल भी अच्छी नहीं है। वेद को बुलाते हैं तो काया अकड़म हो गई है, मकड़ी के जाल की तरीके से वेद कहता है कि परहेज पालो, चटनी मत खाओ, अचार मत खाओ, सब त्याग डालो, ज्वार की रोटी खाओ, फीकी दाल को खाओ और शांति से गुजारो, भोजन की थाली में रूखी सूखी चीज खाओ और दूसरों को पूड़ी हलवा खाते हुए देखो तो अपनी लार भी टप टप टपकाओ। बहुएं भी टोकती है, पोत्र भी टाल जाते हैं, पुत्र भी अब तो घर से निकालने की बात करते हैं, और जवानी जो है अब व्याधि जो है तलवार की माफिक हो गई है, न बैंक बैलेंस है, न पास में माल है, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, जैसे वृक्ष की छाल निकल जाती है और जैसे जैसे काल नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे स्वास्थ्य में दिनों दिन गिरावट होती जा रही है, अब मत पूछ हाल भैया, अब मत पूछ हाल। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ये वृद्धावस्था की हाल होते हैं, इसलिए वृद्धावस्था में भजन पूजन करने का भी मन नहीं करता है। इसलिए जवानी में जितना भजन पूजन कर सकते हो करो, ताकि आपके बुढ़ापे में कष्ट की प्राप्ति कम होगी,
कोई न कोई सेवा करने वाला अवश्य मिलेगा। जय माता दी।